आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सेफ शॉप का जो डैशबोर्ड होता है वो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप का डैशबोर्ड क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और ये कैसे देखा जाता है, इसे जानने के लिए कैसे वर्क करता है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को अगर वॉच करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी और सही जानकारी मिलती है जिसे आप पूरी टीम में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज गुरुवार का दिन है तो सवाल क्या है। तो जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो इन साथी ने पूछा है, बड़ा ही टिपिकल सा नाम है, आप नाम देख सकते हैं, और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है। और इनका जो सवाल है वो ये है कि अगर डाउन लाइन क्रॉस लाइन में चला जाए, ज्वाइन कर ले, तो फिर क्या करें। तो ऐसा इन्होंने सवाल पूछा है, ठीक है, कि चला जाता है क्रॉस लाइन में तो क्या करें। तो सबसे पहले तो काम ये करें कि अगर चला जाता है तो उसे मिल करके, उसे हाथ मिला करके, उसे उस टीम में, उस ग्रुप में जो काम करके इतिहास बनाने की या बड़ा नाम कमाने की, अच्छा काम करने की, उसे अच्छी तरह से शुभकामनाएँ दें। और शुभकामनाएँ देने के बाद से आप अपने सीनियर से मिलें और अपने सीनियर से इस बारे में बात करें कि आखिर क्यों वो चले गए और क्या हम ऐसा करें कि आने वाले समय में कोई फिर दोबारा किसी क्रॉस लाइन में जाके ज्वाइन ना करे। यही दो काम करना है। सबसे पहले उसके पास जाके शुभकामनाएं देनी है, उसको अग्रिम बधाई देनी है कि सर कोई बात नहीं, ये भी बहुत बढ़िया लोग हैं, इनके साथ आप मिलके काम करें। दूसरा, आप अपने सीनियर के साथ बैठें और उनसे बातचीत करें, ऐसी प्रोग्रामिंग बनाएं, ऐसी प्लानिंग बनाएं कि फिर कोई आपकी टीम का बंदा कभी भी किसी भी वजह से आपके क्रॉस लाइन में ना ज्वाइन करे। दूसरा जो सवाल पूछा है वो एक साथी हैं और पूर्वी गुरिंग करके हैं, और इन्होंने शायद जो सवाल पूछा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जितना मैंने समझा है उतना ही मैंने आपको बताने की कोशिश की। इन्होंने सवाल, मुझे लगता है ये पूछा है कि ECS क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ECS जब भी आप सेफ शॉप में आते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सीनियर होता है जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन कर देता है, पेमेंट कर देता है, और आपका जो चेक है वो जब बनता है तो आपके खाते में नहीं आ पाता, क्योंकि उसने जल्दीबाजी में ECS नहीं किया होता है, पैन नंबर अपडेट नहीं किया होता है। तो आपको ECS कराना होता है। ECS@safeshopindia.com पे आप अपने बैंक की डिटेल भेज करके आप बाई मेल करा सकते हैं, या अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड खोल करके, आप अपने वेब पोर्टल को खोल करके, अपना होम पेज खोल करके, आप वहाँ पर भी जा करके ECS डिटेल के ऑप्शन में जा करके अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल करके आप अपना ECS कराने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो रेमुनेशन है, जो आपका जो कमीशन है, वो आपके खाते में 3 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाता है। ECS कराने का ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। ECS कैसे कराना है इसकी एक फुल डिटेल का जो ट्यूटोरियल मैं आपको जल्दी अपलोड करा के दूंगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा, राहुल जी ने पूछा इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, सर ने कहा कि पैन नंबर अपडेट कैसे करें। तो pan@safeshopindia.com पे भी जा करके आप राहुल जी कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो है अपने जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, उसमें खोल करके आप अपने होम पेज पे जा करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आपको पैन कार्ड कैसे अपडेट करना है इसका ट्यूटोरियल देखना है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके अपनी पूरी जानकारी को ले सकते हैं। इसके बाद से सुरभि जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कंपनी 2001 से है या कंपनी 2000 से है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुरभि जी की, जो जनवरी 2001 में जो लोग बोलते हैं कि जनवरी 2001 से कंपनी चल रही, तो बिल्कुल हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है, चाहे पैन नंबर हो, GST नंबर, टिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी जहाँ पर भी है, तो जनवरी आप देखेंगे तो जनवरी 2001 से चल रही है। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है, आप कहेंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी जो स्थापना, इसकी जो स्टेबिलिटी हुई वो दिसंबर 2000 में ही हुई। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो जनवरी 2001 से चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो 2001 से पब्लिक के लिए चल रहा है, जबकि इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दिसंबर 2000 से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो आप अपना फ़र्क देख सकते हैं। हमारे मतलब की बात यह है कि जनवरी 2001 से चलती है, क्योंकि कस्टमर्स के लिए, एजेंट्स के लिए या डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये जो है जनवरी 2001 से वर्क कर रही है।
और भी बहुत सारी चीज़ें करने में इसे 1 महीने पहले का समय लगा, यानी कि दिसंबर 2000 से चल रही है। ट्यूटोरियल मैंने अपना विवेक से बनाया है, अपने विवेक के आधार पर बनाया, अपनी जानकारी के हिसाब से बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर काम करें, उनकी गाइडलाइन में रह के काम करें। कम समय में अगर आप ज़्यादा सफलता लेना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेप शॉप उसे फॉलो नहीं किया है तो आप उसे जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं दे पाता हूँ उसे मैं वहाँ दे पाता हूँ। और आप जानते हैं कि सेप शॉप का जो भी अपडेट होता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।